गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल रिवाइज जीके क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमने जीके में जो कुछ भी पढ़ा है उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। मैं आपको इनके आंसर्स भी बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये है 6 क्वेश्चंस। नेम 10 पार्ट्स ऑफ बॉडी, 5 थिंग्स दैट वी यूज टू कीप क्लीन आवर बॉडी, 5 रूम्स इन आवर होम, व्हाट डू यू लाइक टू डू विद योर फैमिली, व्हाई वी नीड टू ईट फूड, नेम 5 हेल्दी एंड 5 अनहेल्दी फूड। तो यहाँ पर ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपको चैप्टर में पढ़ाए जा चुके हैं। अगर आपने इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो चैनल पे जाके वीडियोस को देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको आंसर्स बताती हूँ। पहला है नेम 10 पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो यहाँ पर इमेज लगी हुई है बगल में, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं लेकिन इसमें से मैंने 10 लिखे हैं आपके लिए। आप कोई भी 10 याद कर सकते हैं। आईज, ईयर्स, माउथ, नेक, नोज, हैंड, लेग, टीथ, फिंगर्स, फुट। तो आप सबको पता है हमने 10 बॉडी पार्ट्स पढ़े भी थे जीके में। आईज जिसे हम आंखें बोलते हैं, ईयर जिसे हम कान बोलते हैं, माउथ जिसे हम मुंह बोलते हैं, नेक यानी कि गला, नोज यानी कि नाक, हैंड यानी कि हाथ, लेग यानी कि पैर, टीथ टीथ तो आपको पता ही है दांत होते हैं, फिंगर्स जो उंगलियां होती हैं, और फुट जो है आपका पैर, लेग से नीचे वाला जो पोर्शन होता है जिससे आप चलते हैं उसे फुट कहा जाता है। तो यह है 10 बॉडी पार्ट्स, इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। नेम 5 थिंग्स विच आर यूज्ड टू कीप आवर बॉडी क्लीन। 5 वो चीजें बतानी हैं जो हमारी बॉडी को साफ रखने में हेल्प करती हैं। तो पहला है सोप यानी कि साबुन, दूसरा है टूथपेस्ट यानी कि जिससे हम ब्रश करते हैं, हैंड वॉश ये बैग को वॉश कर लीजिएगा क्योंकि हैंड वॉश होता है, कॉम्ब यानी कि कंघी, और टॉवल यानी कि वो चीज़, वो कपड़ा जिसे हम अपनी बॉडी को पोंछते हैं नहाने के बाद में। तो हैंड वॉश कर लीजिएगा याद से। आगे बढ़ते हैं। 3rd, नेम 5 रूम्स इन आवर होम। हमारे घर में 5 रूम्स के बारे में बताना है, जैसे कि स्टोर रूम जहाँ सामान रखते हैं, बेडरूम जहाँ सोते हैं, स्टडी रूम जहाँ पढ़ते हैं, बाथरूम जहाँ पर नहाते हैं, और सबसे फेवरेट किचन जहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा खाना हम सब के लिए बनता है। तो ये है हमारे 5 रूम्स। और भी रूम्स दिए हुए हैं बगल वाली इमेज में, आप और भी रूम्स याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट डू यू लाइक टू डू विद योर फैमिली, आप अपने परिवार के साथ क्या क्या करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ 5 चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि प्ले टुगेदर हम साथ में खेलना पसंद करते हैं, ईट टुगेदर साथ में खाना पसंद करते हैं, सिंग एंड डांस टुगेदर तो गाना और नाचना पसंद करते हैं साथ में, क्लीन टुगेदर घर की सफाई भी साथ में मिलके करते हैं, एंड रीड टुगेदर और साथ में मिलके पढ़ाई भी करते हैं। तो ये सारे काम है जो हमें फैमिली के साथ करना अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वी नीड टू ईट फूड, हमें खाना खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी किस लिए चाहिए, टू वॉक, टू प्ले चलने के लिए, खेलने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, टू स्टडी पढ़ने के लिए, टू स्विम यानी कि तैरना, टू टॉक बातें करने के लिए, टू सिंग गाना गाने के लिए, टू डांस यानी कि डांस करने के लिए, और टू जंप और सबसे ज़रूरी है जंप करना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब के लिए एनर्जी चाहिए और इसके लिए हमें फूड चाहिए। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है। तो हम सब जानते हैं कि फूड हमें एनर्जी यानी कि ताकत देता है, और ये ताकत हमें बहुत सारे काम करने में हेल्प करती है, जैसे कि वॉक करने के लिए, प्ले करने के लिए, रन, स्टडी, स्विम, टॉक, सिंग, डांस, जंप, ये सारे काम हम खाना खाने की वजह से ही कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेम 5 हेल्दी एंड 5 अनहेल्दी फूड। तो 5 हेल्दी और 5 अनहेल्दी फूड्स की बात करते हैं। हेल्दी फूड्स वो फूड होते हैं जो हमें ताकत देते हैं, जैसे कि मिल्क आपको पीना चाहिए, डेली दूध पीना चाहिए, चपाती यानी कि रोटी, पल्सेस यानी कि दाल, राइस यानी कि चावल, और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां। ठीक है,
अनहेल्दी फूड्स की अगर हम बात करें तो ये वो होते हैं जो हमें ताकत नहीं देते और हमें इसको नहीं खाना चाहिए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक अनहेल्दी होती है, पिज्जा जो हमें बहुत पसंद है लेकिन अच्छा नहीं होता है, खाना नहीं चाहिए, मैगी बहुत टेस्टी होती है लेकिन अनहेल्दी होती है, बर्गर भी अच्छा लगता है लेकिन अनहेल्दी होता है, चिप्स, ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है तो इन्हें अनहेल्दी फूड्स माना जाता है। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू।